अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। टुडेज टॉपिक इज वैलेंटाइंस डे। सो टुमारो इज द 14th फरवरी एंड इन द सेंस ऑफ यूथ दिस इज अ मंथ ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड लव। सो नो इट दिस इज नॉट अ मंथ ऑफ लव। दिस मंथ जो आपका मंथ है ना, ये आप इसमें शैतान आपको ट्रैप कर रहे हैं, यानी आपको गुमराह कर रहे हैं कि आप कैसे उसके थ्रू गुमराह हो जाएंगे। और इस हम तो उस टाइम में जी रहे हैं ना जहाँ पर बुराई पर हमने अच्छाई का लेबल लगा दिया है। तो बहुत सारे यूथ ने, यानी बहुत सारे लोगों ने मुझे डैम्स भी किए कि आप इस पर कुछ ऐसा ऑथेंटिक बताएं, कुछ ऑथेंटिक हदीस, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मोहब्बत बांटिए। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों गलत हमारे इस्लाम में? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत करिए, लेकिन ये नहीं कहा कि आप उसके लिए एक दिन मुकर्रर कर लें और उसमें बेहयाई करें। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, हस्बैंड वाइफ आपस में मोहब्बत करें, लेकिन ना महरम से मोहब्बत करना कहीं नहीं लिखा आपके इस्लाम में। ना महरम से मोहब्बत तो जिना को प्रमोट करना है ना, और जिना अल्लाह ताला के करीब सबसे सबसे नापसंदीदा अमल है, अल्लाह को वो नापसंदीदा अमल है। तो जो हमारी यूथ है ना, उसको इस टाइम काउंसलिंग की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। आप कौन सी हदीस, कौन सी सुन्नत उठाकर आप खुद ही समझ ले रहे हैं? तो देखिए, इससे आपको ही आखिरत में सबसे बड़ा जो द डे ऑफ जजमेंट में आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जो आपने करना है ना, आपको उसका ही बदला मिलेगा आखिरत में भी और दुनिया में भी। तो सबसे पहले जो हदीस है वो हम कोट करेंगे कि सही बुखारी की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ हमारे दीन में नहीं है अगर किसी ने उसे खुद निकाला तो वो रद्द है। तो ऐसा कोई भी डे मुकर्रर नहीं किया गया, ना कोई वैलेंटाइंस डे का हमारे दीन में कहीं है कि आप इसे सेलिब्रेट करिए, फ्लावर्स दीजिए और चॉकलेट्स दीजिए, ऐसा कोई डे नहीं। आपने किसी को फ्लावर देना, आप किसी को नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को दे सकते हैं, या आप अपने हस्बैंड वाइफ के आपस में दे सकते हैं, लेकिन आप किसी आम बंदे को ऐसे दे रहे, फ्रेंड्स को दे रहे हैं, तो फ्रेंडशिप मेल और मेल की बेहतर है, फीमेल फीमेल की, लेकिन आप अदर जेंडर को दे रहे, दिस इज़ नॉट ओके। तो ये ऐसा, अगर हम अपनी तरफ से दिल में कोई चीज़ ऐसी डाल रहे हैं कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि आप उनके लिए एक दिन मुकर्रर, आप उस दिन मोहब्बत फैला रहे हैं बाकी दिन नहीं, तो ये चीज़ें हमारे इस्लाम में रद्द हैं। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे मैरिड कपल्स का कि हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हमारे तो निकाह हो चुका। आपका निकाह हो चुका लेकिन कहीं है ही नहीं वैलेंटाइंस डे का, तो आप कैसे इसे सेलिब्रेट कर सकते? आप 14 फैब को मत करिए, आप उससे पहले कर लीजिए, उससे बाद में कर लीजिए। आपने रोज़ देना रोज़ दे दीजिए, घुमाने ले जाना अपनी वाइफ को, ले जाइए, इट इज़ ओके, लेकिन आपने उस दिन नहीं करना, क्योंकि जब आप उसी दिन ये काम करेंगे ना तो आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब हम उसी दिन कर रहे हैं तो हम इसे प्रमोट कर रहे हैं। जब आप इसे प्रमोट कर रहे हैं तो फिर आपके बच्चे भी आपसे यही सीख रहे हैं। और फिर सेकेंड हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी और कौम की मुशाबत को अख्तियार किया वो मुझ में से नहीं है। यानी किसी और कौम की मुशाबत, जो वैलेंटाइंस डे है या आपकी क्रिसमस की पार्टीज है, आपका न्यू ईयर है, ये वेस्ट का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। जब हम वेस्ट के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से नहीं है। द डे ऑफ जजमेंट आपको उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। दुनिया में तो आपको उठाना पड़ रहा है और आखिरत में भी। आखिरत में जब पूरी कायनात या नफसी नफसी करेगी ना, सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या उम्मती। तो जब आपने दुनिया में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी के जो दीन है, आपने जो उसे हट गए हैं, किसी और कौम की मुशाबत उतार ली, तो फिर आप आखिरत में कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने आप को? तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को, बल्कि हम मुसलमान हैं, हम दूसरे रिलीजियस की बात नहीं करें, हम मुसलमान हैं, हमने गवाही दी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद और बंदगी के लायक नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो जब हमने इस चीज़ के साथ गवाही दे दी है, तो जो चीज़ हमारे दीन और इस्लाम में सही है, यानी कि हलाल है, हमें वो करना है, जो हराम है वो हमें नहीं करना है, बस। हमारा
अपना इस पर क्या सोच है ये मैटर नहीं करती, जो इसमें अल्लाह ताला ने कहा है बस वो मैटर कर। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेहयाई को प्रमोट मत करिए, क्योंकि जब आप बेहयाई को प्रमोट करेंगे ना तो ऐसी बुराइयाँ, ऐसी मुसीबतें नाजिल होंगी जिनसे हम नहीं लड़ सकते। तो बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है यूथ से भी और जो मैरिड कपल्स है, प्लीज़ इसको यहीं पर बंद।